अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। खाने पीने की चीजों के बाद अब कपड़ा भी महंगा होने वाला है। पूरी दुनिया में कॉटन के भाव में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है और घरेलू मार्केट में पहली बार कॉटन 50,000 के पार निकलने की तैयारी कर रहा है, यानी कॉटन अब सफेद सोना बन गया है। मलेशियाई पाम तेल वायदा में 2% से भी कुछ अधिक की तेजी आई है। निर्यात की संभावना मजबूत बनी होने तथा विश्व के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश द्वारा एक्सपोर्ट टैक्स में कटौती की उम्मीद के कारण पाम तेल वायदा में तेजी आई है। देश में निर्माण गतिविधियों के जोर पकड़ने और वैश्विक अस्थिरता के साथ साथ बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों का असर सीमेंट के दामों पर भी देखने को मिल सकता है। ये तेजी आने वाले दिनों में भी बनी रह सकती है। बढ़ती मांग के हिसाब से दाम भी ऊंचे स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। बाजार में MSP से अधिक कीमत में गेहूं की खरीद और पैदावार में कमी के कारण सरकारी खरीद प्रभावित हुई है। अब स्थिति ये है कि सरकार जून से गेहूं के निर्यात पर एक सीमा लागू कर सकती है। कई प्रमुख राज्यों में सरकारी खरीद की सुस्त प्रतिक्रिया के कारण गेहूं निर्यात पर बंदिशें लगाई जा सकती हैं। मध्य प्रदेश की थोक मंडी में आलू, प्याज और लहसुन की आवक कमजोर बनी हुई है। बाजार भी स्थिर बने हुए हैं। फिलहाल 10 से 12 दिन बाजार इसी तरह चलता दिख रहा है। कारोबारियों को उम्मीद है कि मई के आखिर में प्याज और लहसुन में अच्छी माल की आवक और मांग निकलना दिखाई देगी। बीते 4-5 दिनों से मलेशिया के पाम तेल बाजार में दिख रही गिरावट अब खत्म होती दिखी। शिकागो सोयाबीन वायदा में मजबूती दिख रही है। वहीं इधर गुजरात के प्लांटों में मूंगफली तेल का स्टॉक बढ़ने और ग्राहकी का सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से वहां कीमतों में गिरावट आ रही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शहरी गैस आपूर्ति इकाइयों के लिए कंपनी गैस आवंटन नीति में संशोधन किया है। इस आदेश से सरकारी स्वामित्व वाली गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गैल को घरों और परिवहन क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए गैस आयात करने और नए घरेलू क्षेत्रों से गैस खरीदने की अनुमति मिल गई है। दाल मिलों की सीमित मांग होने के कारण आयातित और देसी दालों के दाम लगभग स्थिर से हो गए हैं। हालांकि हाजिर बाजार में नकदी की किल्लत के कारण दालों में खुदरा के साथ ही थोक में ग्राहकी कमजोर है, जिस कारण मिल्स केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीद कर रहे हैं। ग्रीष्मकालीन मूंग की आवक धीरे धीरे मध्य प्रदेश की मंडियों में बढ़ना शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश गुजरात में अगले 1-2 सप्ताह में आवक का प्रेशर और बढ़ सकता है। इस साल देश में ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई अच्छी होने के कारण फसल जोरदार बताई जा रही है। घरेलू मूंग की पूर्ति के लिए देश में पर्याप्त सप्लाई है। मध्य प्रदेश ने मूंग खरीद के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है। मसूर में लोकल डिमांड का अभाव रहने और अच्छी आवक के कारण भाव में मंदी रही। कनाडा में इस साल मसूर की बुआई बढ़ने की उम्मीद है। यदि कनाडा में अगली फसल बंपर आती है तो यही मसूर में और कमजोरी देखने को मिल सकती है, अन्यथा बाजार पुनः सुधर सकते हैं। वहीं घटे दामों पर मसूर में स्टॉकिस्ट और बड़ी कंपनियों की खरीदी निकलने की संभावना भी है।